हेलो गाइस, सॉरी आज पूरे वन वीक के बाद मैं वीडियो फिर से अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन गाइस ये जितना वन वीक में गैप हुआ है उसका पूरा कॉम्पनसेशन मैं कर दूंगी, बल्कि इनफैक्ट उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आपका लॉस बिल्कुल भी ना हो. गाइज फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जुरिसप्रूडेंस पार्ट 4 करने जा रहे हैं. सो इसकी सीरीज में पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement is right? Law consists of rules in accordance with reason and nature has formed the basis of imperative law. Natural law is a type of command. Law according to positivist is made through medium of courts. Heart takes in terms of contract supplemented by an attitude of mind to the effect that the conduct in question is obligatory because it is required by rule. गाइज इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया है, जो बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है रूल आउट करने की, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए उन क्वेश्चन उन आंसर्स को जो रूल आउट करने के उसमें हो, तो आप रूल आउट करके आप इस तक पहुंच सकते हैं. सो अगर हम सबसे नीचे से पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट से स्टार्ट करें या फर्स्ट से भी स्टार्ट कर दें. Law consists of rules in accordance with reason and nature has formed the basis of imperative law. एज ये इम्परेटिव लॉ जो है ये क्या है, आप ये आपको एनालिटिकल स्कूल में ही ये कवर होता है, इसमें कवर होता है एनालिटिकल स्कूल में ही इम्परेटिव लॉ भी आता है. सेकंड पूछ रहा है नेचुरल लॉ इज अ टाइप ऑफ कमांड, जो कि बिल्कुल नहीं है. नेचुरल लॉ कमांड नहीं है, ये इम्परेटिव लॉ या एनालिटिकल लॉ कमांड है, जो है एक फेमस डेफिनेशन है ऑस्टिन की. लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स बैक्ड बाई नेशंस बैक्ड बाई सैंक्शंस एंड समथिंग कमांड वाली जो डेफिनेशन है वो आपको एनालिटिकल स्कूल या इम्परेटिव स्कूल के डेफिनेशन में आएगी. तो ये वाला ऑप्शन तो आपको बिल्कुल कट हो गया. लॉ अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट इज मेड थ्रू मीडियम ऑफ कोर्ट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कोर्ट के मीडियम से नहीं बना है, उसमें सैंक्शंस और उसमें कमांड्स हुई हैं, तो कोर्ट के मीडियम से ये बिल्कुल भी नहीं बना है, ये भी कट हो गया. हॉट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लीमेंटेड बाय एन एटीट्यूड ऑफ माइंड टू द इफेक्ट दैट द कंडक्ट इन क्वेश्चन इज ऑब्लिगेटरी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय रूल. गाइस ये हार्ट HLA हार्ट जो थे ये आपको एनालिटिकल स्कूल के ही फेवर में थे, सॉरी एनालिटिकल स्कूल में ही थे, सही बोल रही हूँ, जिसमें एक्चुअली इन्होंने थोड़ा इनका ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म ऑस्टिन के अगेंस्ट में ही बहुत सारी चीज़ों पे था. ऑल्दो ये भी एनालिटिकल स्कूल को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है लाइक इफेक्ट दैट द कंडक्ट इन क्वेश्चन इज ऑब्लिगेटरी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय रूल नॉट रूल इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो गाइज रूल आउट करने के बेसिस पे हमें ये ओनली जो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपको बचता है. ये कह रहा है लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स इन अकॉर्डेंस विथ रीजन एंड नेचर हैज फॉर्म द बेसिस ऑफ इम्परेटिव लॉ. ठीक है गाइज, ओके, इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन. राइट इन री एलियाना मीन्स अ राइट ओवर री एलियाना. गाइज ए सबसे पहले आप छोटे से वर्ड को आप तोड़ोगे, एलियाना मीन्स मतलब एलियन, जो आपके आपसे परिचित नहीं है, जो आपसे अपरिचित है, यानी कि जो आपकी नहीं है, जो आपने कभी उसको देखी नहीं, आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानती नहीं. तो राइट इन री एलियाना ऐसी अपरिचित चीज़ों पे अपना मतलब राइट दिखाने का क्या मतलब होता है कि राइट ओवर अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. एलियाना मीन्स जैसे इसका ट्रिक यही है, एलियन एलियाना से एलियन, एलियन मीन्स अपरिचित, अपरिचित से आपका हो गया कि किसी और की प्रॉपर्टी, सो अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. ओके गाइस, अ फेमस क्वेश्चन, फेमस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन assertion एंड रीजनिंग. So assertion says a perfect duty is one which a man not merely ought to perform but may be just compelled to perform. Perfect duty, actually guys ये rights and duties से regarding question है.
उसमें एक टर्म है परफेक्ट ड्यूटी एंड परफेक्ट लिबर्टी, इसे आप हॉफेल्स ज्यूरल पोस्टुलेट भी आप कह सकते हो। अगर हॉफेल्स ज्यूरल पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जुरिस्प्रूडेंस में, और नेट के पर्सपेक्टिव से ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं कि हॉफेल्स का ज्यूरल पोस्टुलेट वो एकदम डायरेक्टली आए, उसको डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीके से भी उसे, जैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी बना के दे देंगे। तो वो क्या होते हैं हॉफेल्स ज्यूरल पोस्टुलेट, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कवर करके बता दूंगी। सो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। परफेक्ट ड्यूटी इज वन विच ये अ मैन नॉट मेयरली आउट और टू परफॉर्म बट मे बी जस्टली कंपेल्ड टू परफॉर्म। बिल्कुल सही है, ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब ये है कि आप पे वो जिम्मेदारी है, वो काम करने की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और परफेक्ट अगर हो गई तो फिर तो मतलब कि आपको सिर्फ उसे परफॉर्म नहीं करना, आप कंपेल हो गए हो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। रीजन कह रहे हैं अ परफेक्ट ड्यूटी इज वन विच इज नॉट मेरली रिकॉग्नाइज बाय लॉ बट इन्फोर्स की जाती है। जैसे कि बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो परफेक्ट है, लाइक अगर हम से लोग तो मानते नहीं है, जैसे वरना जैसे कहते हैं इंडिया में कि आप सड़कों पे गंदगी नहीं फैला सकते हो, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको साफ रखने में उसको मतलब भागीदार बनो, सहभागी बनो, लेकिन नहीं लोग मानते हैं। तो ऑल्दो वो परफेक्ट ड्यूटी है, क्योंकि कभी कभी कहीं पे लिखा होता है अगर आपने गंदगी फैलाई तो इसका जुर्माना है। सो उस टाइम पे ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप वो काम नहीं करो, मतलब वो आप काम मतलब सफाई करने में, साफ सुथरा रखने में मदद करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बोला गया, बट आप कंपेल्ड हो उस चीज़ को परफॉर्म करने, मतलब आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आप वहाँ पे साफ सफाई रखो। तो परफेक्ट ड्यूटी क्या होती है कि विच अ मैन नॉट मेरली आउट टू परफॉर्म बट मे बी जस्ट कंपेल्ड टू परफॉर्म। And reason, a perfect duty is one which is not merely recognized by law but enforced. True. लेकिन यहाँ पे guys अगर हम option देखें तो यहाँ पे वो वाले option नहीं है कि A both A and R true, R is the correct explanation and all that. So यहाँ पे directly सिर्फ simple पूछ लिया है कि A is true, B R is false, A is false, R is true. बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। तो इसमें तो सिंपल है, अगर आप ऐसे ही देखोगे, पहली ट्रिक जो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि पहले ये देखने का कि इंडिविजुअली वो दोनों सेंटेंस ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। सो इंडिविजुअली ये दोनों सेंटेंस ट्रू हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको थ्री वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट देयर इज In essence, no difference between the legal personality of a company and that of an individual. So, ये guys question है legal personality से related. इसमें एक definition आई थी जिसमें ये कहा है कि जिसमें एक जूस ने ये कहा था कि in reality there is no difference, मतलब कोई difference नहीं है legal personality of a company की legal personality और इंडिविजुअल की लीगल पर्सनालिटी में, ऐसा कहा है किस ज्यूरिस ने, तो ऐसा एक कहा है आपको केल्सन ने ये चीज कही थी कि इन रियलिटी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पर्सनालिटी ऑफ ए कंपनी और इंडिविजुअल की लीगल पर्सनालिटी में, ठीक है गाइस। केल्सन लास्ट क्वेश्चन। Ownership of goodwill of a business is limited ownership, corporeal ownership. Sorry guys, यहाँ पे ownership की spelling गलत हो गई है. Sorry guys, actually मुझे type करना पड़ा तो मैंने ध्यान नहीं दिया. So यहाँ पे कह रहा है ownership of goodwill of business. Business का जो goodwill, जैसे interest, प्रॉफिट एंड ऑल दैट, जो goodwills होते हैं business से related, उसकी ownership को क्या कहेंगे, limited ownership, कॉर्पोरियल ओनरशिप, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप। गाइस ओनरशिप पे अगर आप जाओगे तो ओनरशिप के डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको जुरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से ओनरशिप की पूछा गया है। सो जुरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो उसमें मेजॉरिटी जो मेनली जो है वो कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल ओनरशिप पे फोकस रखती है। कॉर्पोरियल वो
सॉरी गाइस, कॉर्पोरियल वो होती है जिसको जो जिसको आप टच कर सकते हो, लाइक जैसे आपको टेंजिबल इनटेंजिबल जैसे सब चीजें होती है ना, ओनरशिप्स एंड ऑल दैट, इस तरीके का. तो ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस इज इनकॉर्पोरियल. इनकॉर्पोरियल क्यों है? क्योंकि वो होता ना ऐसे पेपर पे है, आप उसे टच नहीं करते, लेकिन ऑल दो आप ही बिजनेस, आप ही उसके ओनर हो, तो इनकॉर्पोरियल ओनरशिप. ठीक है गाइज, ये थे आज के 5 क्वेश्चन. गाइज मैं अभी कोशिश करूंगी कि 2 से 3 वीडियो और मैं अपलोड कर दूं. गाइज आप लोग इसे जितना ज्यादा से ज्यादा आप देखते रहो और कोशिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा MCQs आप सॉल्व करो, क्योंकि आई थिंक नेट के रिजल्ट्स, नेट की डेट्स आ चुकी हैं. एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना. और गाइज इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो और अपने कमेंट्स और सजेशंस प्रोवाइड करो मैसेज में. मैं बिल्कुल उन्हें एंटरटेन करूंगी उन कमेंट्स को. और गाइज आपको कोई भी सजेशन है या कोई किसी भी और तरीके की एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे. मैं आपको बिल्कुल हेल्प प्रोवाइड करूंगी. थैंक यू.